नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूँ राकेश तारा। जी हाँ, आज सीधी बात लेके आए हैं अंकित गुप्ता जी हैं, जो कि अगर बात की जाए तो नेशनल प्रमोटर हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो खासकर अगर बात की जाए तो विडवे, जी हाँ, इसको जो है ग्राउंड स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर अगर बात की जाए तो इनका बहुत ही अहम रोल है इसमें कि लोगों को ज़्यादातर इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिलाई जाए, ताकि लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक रास्ता मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो अपने मनपसंद जो है चीज़ें भी ले सकें और अपने आप को डेवलप भी कर सकें। आइए करते हैं सीधी बात इनके साथ। अंकित जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप बताइए, जिस तरह से अगर बात की जाए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो किस तरह से लोगों को, खासकर युवा की बात करें तो युवा ही आने वाला भविष्य है, तो किस तरह से इसको ज्वाइन करें और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हैं और क्या क्या लाभ हैं इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अंकित गुप्ता है। देखिए, आज की डेट में ये 2020 जो है हमारे देश के लिए, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अलग ही साल रहा। इस साल हमने देखा कि दो चीज़ों ने लोगों को बहुत बुरी तरह ग्रसित किया, एक तो सेहत ने और एक रोज़गार ने। सेहत ने, कोरोना में ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बुरा दौर रहा। जो लोग सोचते थे कि हम बहुत तंदुरुस्त हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हम लोग कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो हम सेहतमंद हैं। जबकि आज की डेट में हो सकता है बाहर से हम बहुत तंदुरुस्त दिखते हों, पर अंदर से हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है, क्योंकि कोरोना ने उन्हीं लोगों को ग्रसित किया जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। दूसरा, कुछ लोगों को हो सकता है कोरोना नहीं हुआ, उनका सेहत अच्छा रहा, पर उनको रोज़गार से दिक्कत रही। मीन्स लोगों को इस साल सेहत में और कमाई में दोनों जगह एडजस्ट करना पड़ा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ऐसे में एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, और जो जानकारी है वो बहुत ही कह सकते हैं अधूरी है, पूरी नॉलेज नहीं है। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में पिछले तकरीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ सर, और जिस कंपनी को फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ एज ए नेशनल प्रमोटर, उस कंपनी का नाम है विविडवेज वेंडिटियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक देहरादून की कंपनी है। हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खूबी है कि बेसिकली दो सूत्रों पे काम करती है, एक हेल्थ पे और एक वेल्थ पे। ये कंपनी पिछले 6 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया और नेपाल दो जगह पे अपना ये कंपनी बिजनेस करती है। ये कंपनी वेलनेस में डील करती है, पर्सनल केयर में डील करती है, होम केयर में डील करती है। एक अच्छे उत्पादों के साथ आज ये मार्केट में उतर के आई है, जहाँ पर लोगों को एक अच्छी सेहत प्रोवाइड करा रही है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ी पद्धति है जो कि हिंदुस्तान से ही शुरू हुई है, ये हम लोग जानते हैं। पर समस्या क्या है कि हम हिंदुस्तानी लोग ही कई बार इस आयुर्वेद पद्धति को नहीं समझते और एलोपैथी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो विदेश के लोग हमारे हिंदुस्तान में आके आयुर्वेद पद्धति से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में हमारी कंपनी ने एक कदम बढ़ाया है आयुर्वेद को और बढ़ावा देने का, और जन जन तक ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स लेके जाने का जिनको इस्तेमाल करने से वो एक अच्छी सेहत ले सकते हैं और आगे भी लोगों को उन प्रोडक्ट्स को देकर अच्छी सेहत बना सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंपनी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट ही ना देकर लोगों को इनकम करने का भी मौका दे रही है। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, हम टीवी पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड करता है कि मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं इस साबुन से नहाता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इतना हम सब लोग जानते हैं कि वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते। दे आर जस्ट ओनली सेलिंग दैट प्रोडक्ट, दे आर जस्ट एंडोर्सिंग दैट प्रोडक्ट, बिकॉज उनके बदले उनको एक अमाउंट मिल रही है। और हम युवा पीढ़ी उन लोगों को देख के आकर्षित होते हैं कि भैया, अगर सलमान खान थम्सअप पीता है तो शायद ये उसी की वजह से इतना एनर्जेटिक रहता होगा। इतना हम सब लोग जानते हैं कि सलमान खान इतने हेल्थ कॉन्शियस लोग, वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीते हैं। और एक बहुत बड़ा मार्जिन, मतलब एक 3 रुपये का पानी जो हमें 30 रुपये में परोसा जाता है, वो पैसा उनकी जेब में जाता है। ऐसे में हमारी कंपनी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को हम लोगों के माध्यम से सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है। हम अपने प्रोडक्ट का कोई टीवी पे ऐड नहीं करते, कोई सेलिब्रिटीज़ को हायर नहीं करते, और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन, तकरीबन 70% का मार्जिन हम वहां से निकाल कर वापसी ग्राहक को देते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर आप जानते हैं, जिन जिन लोगों ने 15-15 साल तक नौकरियां करी, उनको तनख्वाहें नहीं मिल पाई,
अच्छे अच्छे होटल लाइन के बिजनेस, अच्छे अच्छे व्यापार ठप पड़ गए। ऐसे में इस विविडवेज वेंडी टेयर ने अपने जितने भी कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे थे, जितना भी उन्होंने बिजनेस किया, उनका पे आउट समय पर पहुँचाया। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, लॉकडाउन के अंदर मेरा पूरे मंथ का पे आउट रेगुलर चलता रहा। एक बहुत बड़ा ग्रुप मेरे साथ काम कर रहा है और हम उन चीज़ों में डील करते हैं जो आज की डेट में असेंशियल्स हैं, हमारे घर की ज़रूरतें हैं। तो बेसिकली सर, विविडवेज वेंडी टेयर में शॉर्ट में अगर बोलूँगा तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक आम आदमी को मौका मिल रहा है अपनी अच्छी सेहत बनाने का, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने का, और साथ ही साथ उसको मौका मिल रहा है अपने नाम से एक व्यापार शुरू करने का। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी एक बात बोल के गए थे कि किसी भी देश की उन्नति सिर्फ तब हो सकती है जब उस देश के लोगों के अंदर एक उद्यमी बनने की लालसा होगी, एक एंटरप्रेन्योरशिप की लालसा होगी। हर वर्ष हमारे हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं पढ़ के निकलते हैं नौकरी के लिए। नौकरी देने वाले कम हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं। ऐसे में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना, एक ऐसा व्यापार होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आज की डेट में विविडवेज वेंडी टेयर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ये एक आम आदमी को मौका दे रही है सिर्फ ना पैसे कमाने का, आगे जाकर लोगों को एक अच्छी सेहत के साथ साथ एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड कराने का। जिस तरह से अंकित जी ने कहा कि हेल्थ और वेल्थ और उसके साथ जो है सोर्स ऑफ इनकम, जो कि अगर बात की जाए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि नौकरियां लेने वाले ज़्यादा और देने वाले कम, और इस फील्ड में लोगों को फ़ायदा देने वाले ज़्यादा प्रोडक्ट और खरीदने वाले इस समय कम, लेकिन इनकी जो है अगर बात की जाए तो संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो है अव्वल नंबर माना जाता है, क्योंकि ये मेडिसन्स जो हैं हमारी हेल्थ को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। खासकर अगर बात की जाए, जिस तरह से अंकित जी ने हमारे समक्ष बातें रखी, कहीं ना कहीं आपको भी मन में सोचना होगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो कोई ऐड आती है, वो सोप लगाकर नहाते हैं और कहते हैं कि ये नहा रहे हैं और इनकी त्वचा जो है कितनी अच्छी है, सुंदर है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो उसको वो जो है यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ऐड के लिए, अपने कुछ पैसे के लिए, और कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे जैसे लोगों से निकलता है, लेकिन ये कंपनी ग्राउंड से ही जो है ग्राहकों को फायदा देती है, और ग्राउंड से जितना प्रोडक्ट, जितनी कॉस्ट होती है, उसी कॉस्ट पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश क्या बल्कि पहुंचाती है। ये एक रास्ता जो है डायरेक्ट कंपनी के साथ लोगों का, ये तो मैं कहता हूं कि ये रास्ता जो है, ये एक तो पैसा जो है कम खर्च होता है और लाभ ज्यादा होता है, और अगर बात की जाए तो ऐड पर आप जाएंगे तो हमारा फैमिली जैसे कहते हैं कि पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो टीवी के आगे बैठकर 30 चीजें देखते हैं, और 30 चीजें देखकर 20 का शाम को ऑर्डर कर देते हैं कि उसने ये वैरायटी यूज किया और ये है, लेकिन असलियत में ये कुछ नहीं होता। और अगर बात करें जिस तरह से विड्स वे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि ग्राउंड लेवल पर लोग इसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बढ़ावा देकर अपने देश को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और अपनी जो जमा पूंजी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, ना कि फजूल खर्चों में खर्च कर रहे हैं। लास्ट में हम अंकित जी से, अंकित गुप्ता जी से एक ही बात शेयर करेंगे कि जिस तरह से कहते हैं कि देश को चलाने वाला युवा है, और युवा ही अगर ऐसी बातों को आगे लेकर आएगा, तो मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर घर में कोई एक बच्चा है तो अपने माँ बाप को कोई बात कहेगा तो उसमें जो है पालना होगी, तो हम कहेंगे किस तरह से वो मैसेज देंगे ताकि ऐसी कंपनियों को वो उभारें, ताकि ग्राउंड लेवल पर ही हमारा जो बिजनेस है वहाँ से उन तक पहुँचे, और हमारे देशवासी जो हैं कहीं जो शिकार हो जाते हैं एडों के वो ना हों। ठीक है, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबसे पहले हम सब लोगों को जानने की, समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डायरेक्ट सेलिंग।
डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में कितना बड़ा व्यापार बन चुका है, एक कितना बड़ा अवसर बन चुका है लोगों के लिए। आज इस मतलब इसको किसी के सर्टिफिकेट किया परिचय की मोहताज की जरूरत नहीं है सर। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 8 से 9 वर्षों से काम कर रहा हूँ, एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बाय एज मेरी इस टाइम 36 साल की मेरी एज है, 36 ईयर्स का मैं एज हूँ। 8 साल के अंदर इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इफ़ आई एम सिटिंग राइट नाउ हेयर एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग माई व्यूज टू द पीपल राइट नाउ, तो ये सिर्फ उसी का कारण है कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। वरना आज की डेट में 35-40 साल के नौजवानों को भी नहीं पता होता कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी। ये इंडस्ट्री लोगों को सिर्फ पैसा ही कमाने का मौका नहीं देती, उनके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जिसके बारे में उनको खुद को भी नहीं पता होता। आज की डेट में आप गूगल पर जाएं, डायरेक्ट सेलिंग को अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो ये इतना बड़ा कुआं बन चुका है सर कि जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना और समझना ज़रूरी है। और मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने अभी 2016 में 2016 में बकायदा इसके लिए नियमावली बना दी है, रूल्स रेगुलेशन बना दी हैं। अब इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। अब हम फील प्राउड मोमेंट के साथ ये बात बोलते हैं प्राउडली कि वी आर द पार्ट ऑफ द फास्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री। और इंडिया तो सर हम जानते हैं, इंडिया सेकेंड पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, और आज भी इसका टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत नीचे जाके आता है। आज USA जो कि डेवलप्ड कंट्री है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट उसके अंदर व्यापार उसका जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। हमारे पास एक बहुत सुनहरा भविष्य है क्योंकि आपका नया चैनल JK ब्रेक के नाम से है। तो मैं बेसिकली बात करूँ अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हमने अभी 2-2.5 महीने से बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस करता हूँ, इस कंपनी का व्यापार आज की डेट में 6 से 7 स्टेट्स में है, हर स्टेट में जाके बिज़नेस करता हूँ। जितना अच्छा रिस्पॉन्स हमें जम्मू कश्मीर से मिला उसका कोई मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। और ये आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सर, क्योंकि कल ही हमने आपका मुरादपुर में इस कंपनी का पहला स्टोर खोला है। विविडवेज वेंडिटेयर का जे एंड कश्मीर में एक बड़ा आगमन हो चुका है, और इसी साल हम जम्मू कश्मीर में कम से कम 7 से 8 नए स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं बधाई का पात्र देना चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के मेन प्रमोटर J&K प्रमोटर मिस्टर अमित शर्मा जी को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। जब मैंने अमित शर्मा जी के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे से पूछा सर क्या हम कर पाएंगे। आज अमित शर्मा जी इस बिज़नेस में बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के अंदर ही इज़ द फास्टेस्ट सिल्वर रैंक अचीवर। मतलब उन्होंने जो काम किया है वो बहुत तेज़ी से किया है, जब तक इस कंपनी में कोई नहीं कर पाया। मात्र 2 महीने के अंदर स्टोर खुला है, और सिर्फ उनकी कामयाबी हुई है बड़ी बात नहीं, उनके साथ और लोग भी कामयाब कर रहे, बिज़नेस में आगे कामयाब हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग मुझको देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग अगर एक अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, अगर एक अच्छे कामकाज की तलाश में हैं, आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानिए, समझिए, डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। इस व्यापार के अंदर आके, ये एक ऐसा व्यापार है जो एक गृहिणी के लिए, एक किसान के लिए, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक नौकरी पेशा के लिए, एक छोटी हाइट के लिए, एक बड़ी हाइट के लिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी काम धंधे हैं उन सभी काम धंधों के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे कि सर आप मीडिया लाइन में हैं, हर आदमी मीडिया लाइन को नहीं कवर कर सकता, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए। अगर आज हम किसी पर्टिकुलर नौकरी में जाना चाहते हैं तो हमें उससे संबंधित कोर्स करना चाहिए। तो क्या एक आम आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा है या जो घर से नहीं पढ़ पाया, क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का? बिल्कुल मिलना चाहिए, पर हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जहाँ से वो आगे निकल सके। क्या जरूरी है कि एक इंसान जो मोची रहा है उसका लड़का भी मोची ही बने? क्या जरूरी है कि एक आदमी जो मजदूर रहा है उसका लड़का भी मजदूर बने? ऐसा कोई अवसर नहीं है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा व्यापार है जो एक आम आदमी को मौका दे रहा है कि वो अपनी सोच को आगे धरातल पे लाके चीज़ों को हासिल कर सके। तो मैं आपके मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि सर आप विविडवेज वेंडिटियर को सीरियसली लीजिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द एथिकल, वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट कंपनी है जो कि हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा बनाई गई तमाम नियमावली के हिसाब से काम कर रही है, और जन जन को एक मौका दे रही है कि वो इस बिजनेस में आके ईमानदारी से अपना बिजनेस करे। क्यों ईमानदारी में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी मार्केट में कुछ गलत चीजें होती हैं। हमारी कंपनी उन चीजों में बिलीव नहीं करती, हमारी कंपनी लोगों को सपने नहीं दिखाना चाहती। कुछ लोग मार्केट में हैं, सपने दिखाकर बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर लोगों को नहीं कमवा पाते। ऐसे में विविडवेज वेंडिटियर एक ऐसा मौका है जो बिल्कुल ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एथिकल वे में बिजनेस करते हुए लोगों को
कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है, समान अवसर दे रही है, और यही कारण है कि कम समय के अंदर जम्मू कश्मीर में हमारा बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा। और सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इसी 28 तारीख को हमारा 29 तारीख को हमारी कंपनी अपनी छठी सालगिरह मना रही है सर, 7वें साल में कंपनी प्रवेश कर रही है, और माता रानी की कृपा रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं वर्ल्ड में हम इस कंपनी को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारी मेहनत का रिजल्ट डेफिनेटली निकलेगा सर। जिस तरह से अंकित गुप्ता की बात करें तो बड़े ही जो है मानवीय, और ख़ासकर बात की जाए तो किस तरह से कंपनी के साथ जुड़े और आज एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में हमारे अमित जी, जो कि अमित शर्मा जी टोटल इस कंपनी को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे एक जर्नलिस्ट भाई जो कि इस कंपनी को लाए जम्मू कश्मीर में, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि इसको ज्वाइन करें। जी हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी विट्स वे की बात करें तो ये बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता कि आपको बड़ी कार मिल जाएगी, आपको जहाज में 5 दिन के लिए टूर मिलेगा, आपको ये मिलेगी, लेकिन ये कंपनी कहती है आपको घर में ही जो ग्राउंड में फैक्ट्री से तैयार सामान होता है उसी रेट में आपको घर में मिलेगा। इस पर अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक उसी बात को प्रमोट करता है जो कि सत्य। जी हां, हमारे सूत्रों के अनुसार वही, जिस तरह से हेल्थ और वेल्थ, जब इंसान की हेल्थ और वेल्थ सही होगा तो वो अपनी गाड़ी भी ले सकता है, लेकिन कंपनियों का बड़ी बड़ी गाड़ियों का सपना दिखाना, और मैं तो कहता हूं कि सपने दिखाकर जब लोग मायूस हो जाते हैं तो ऐसी कंपनियां जब आती हैं तो उनसे वंचित रह जाते हैं, वो उनसे डरे हुए होते हैं कि हमें वो सपने दिखाए थे, हमने उस गाड़ी में बैठना है, उस गाड़ी में बैठना है, तो ये कंपनी सपने नहीं दिखाती, ग्राउंड पे काम करती है। और खासकर बात की जाए तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे अमित जी हैं जम्मू कश्मीर में, अगर देखा जाए तो इनका भी अव्वल नंबर है, इन्होंने भी बड़ी देर से काम शुरू किया लेकिन आज कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। अगर इनकी बात करें तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने स्क्रीन पर देंगे ताकि आप इनसे जुड़कर आप भी इनकी सेवाएं ले सकें, आप इनकी सेवाएं साथ जो कंपनी है वो अमित जी और आपको बराबर देखेगी। अगर अमित जी को 5 रुपये का सामान आता है तो आपको ही 5 का आएगा, ये नहीं बोलेंगे कि अमित जी को हमने कार दे दी और इनको AC भी देंगे साथ, नहीं, ये देंगे ग्राउंड पे सामान और जिस पे लोग करेंगे आदर मान। जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।